नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट मतलब कि मूत्र रोग सर्जन और एंड्रोलॉजिस्ट मतलब कि पुरुष रोग सर्जन। आज जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है अंडकोश पे दाने या अंडकोश के ऊपर सेबेशियस सिस्ट। ये जो प्रॉब्लम है ये पुरुषों में काफ़ी कॉमन है। कई बार मेरे को मेरे जो पेशेंट्स है या मेरे जो फैंस है या मेरे जो वीडियो व्यूअर्स है वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उनके अंडकोश की स्किन के ऊपर सफ़ेद दाने या सफ़ेद लम्प्स या सफ़ेद गांठे या सफ़ेद फुंसी टाइप्स हो गया है जिनमें कोई दर्द नहीं होता। ये बहुत सारे हैं, 4 से 5 या 6 है, बड़े बड़े हो गए हैं और इनमें से कई बार सफ़ेद मवाद टाइप्स निकलता है। ये हमारे इंडिया में बहुत कॉमन डिजीज़ है और इसको सेबेशियस सिस्ट बोलते हैं। इसकी कुछ फ़ोटोज़ जो है आप मेरे साथ में देख सकते हैं। सेबेशियस सिस्ट माने तो ये बेसिकली जो हमारा अंडकोश है ये एक बाल तोड़ का वेरिएंट है। नॉर्मली बाल तोड़ में क्या है कि जो अंदर पस जम जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, दर्द हो जाता है, पर सेबेशियस सिस्ट में क्या होता है कि जो बाल का जो हमारे अंडकोश के अंदर जो बाल है, जो स्किन में बाल है, वो बालों की जो मुंह है वो ब्लॉक हो जाती है। उस कारण से उसके अंदर का जो स्वेट है या उसके अंदर का जो पसीना है वो बाहर नहीं निकल पाता और ये सीबम या जो ये सफ़ेद पानी है ये इकट्ठा होते होते ये जो बाल ये बाल का जो अंश है ये बड़ा होकर एक गांठ बना देता है। इसको सेबेशियस सिस्ट बोलते हैं। ये गांठ हो सकती है छोटी हो, ये हो सकती है बड़ी हो। ये गांठ नॉर्मली हो सकता है 1 हो 2 हो 4 हो 5 हो 7 हो 8 हो, कई बार ये एक के साथ एक बहुत सारी गांठें बन जाती है और ये इन गांठों में कभी भी कोई दर्द कोई खुजली नहीं होती। ये गांठों में दो ही प्रॉब्लम होती है, एक तो ये गांठें बार बार हो जाती है, एक हुई फिर दो हुई फिर तीन हुई, सेकेंड ये गांठें धीरे धीरे साइज़ में बढ़ जाती है। कभी कभी ये गांठें फट के इनमें से सफ़ेद माल या सफ़ेद जो पस टाइप्स है मवाद टाइप्स है वो निकलता है। कभी कभी इन गांठों में खुजली हो सकती है और सबसे गंदा अगर ये गांठ ज़्यादा हो जाए तो देखने में बहुत भद्दी और गंदी लगती है। कई बार इन गांठों के अंदर कैल्शियम जमने से पत्थर जैसी हार्ड भी हो जाती है। सबसे पहले जाने कि ये जो गांठें हैं ये कोई कैंसर नहीं है, इनके अंदर कभी भी कोई कैंसर या इन्फेक्शन या इन गांठों के अंदर आपको कोई बहुत लंबे टाइम दिक्कत नहीं आएगी। इन गांठों को निकालना तब ज़रूरी है जब या तो ये बहुत ज़्यादा हो जाए या इन गांठों के अंदर आपको जो है इन्फेक्शन होने से दर्द होना शुरू हो जाए या ये गांठें देखने में अच्छी नहीं लगती, आपका जो पार्टनर है या आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है वो इन गांठों के कारण परेशान रहती है या फिर आपको सेक्स करने के ड्यूरिंग इन ज़्यादा गांठों के कारण आपको इचिंग या इन्फेक्शन या बार बार स्ट्रोक लगाते टाइम आपको कोई दर्द या फीलिंग हो तो हम इन गांठों को निकाल सकते हैं। इन गांठों के लिए कोई भी दवाई नहीं है, कोई दवाई इन गांठों को मेल्ट नहीं कर सकती, इनको निकाल नहीं सकती, कोई दवाई होम्योपैथी की आयुर्वेदिक की इन गांठों पे काम नहीं करेगी। इन गांठों का एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। एक छोटी सी पेनलेस सर्जरी होती है जो लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, जिसमें कोई भर्ती की आवश्यकता नहीं है। उस सर्जरी के अंदर हम इन गांठों के अंदर जो फंसा हुआ मवाद है साथ में जो उस गांठ की जो वॉल है या उस गांठ की जो त्वचा है उसको पूरा का पूरा निकाल देते हैं और उसके बाद उसको सिल देते हैं। अगर छोटी गांठ हो तो बहुत आराम से नीडल से एक एक करके गांठ निकल जाती है। बड़ी गांठ हो तो हमें उस वाली चमड़ी को निकाल के अंडकोश की चमड़ी को फिर से सिलना पड़ता है। ये सर्जरी में कोई पेन नहीं होता, ये सर्जरी में कोई खास ब्लीडिंग नहीं होती, गांठें सारी निकल जाती है और एक बार गांठ निकल गई तो उस जगह पर फिर से गांठ नहीं होगी। पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप इन गांठ को निकलवा भी लेते हैं तो अंडकोश में क्योंकि पूरे अंडकोश में बाल है, अभी हमने 10 गांठें निकाली तो ये गांठें फिर से बार बार हो सकती है। तो इसलिए मैं अपने मरीजों को बोलता हूँ अगर गांठें छोटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो इन गांठों को छोड़ दे, इनको कुछ नहीं करना। पर अगर सपोज़ गांठ से जो बताया मैंने बड़ी हो गई है, पत्थर जैसी हो गई है, ज़्यादा हो गई है, दिखने में भद्दी लगती है या बार बार इसमें मवाद निकलता है तो फिर इस गांठों को निकलवाना आपके लिए ज़रूरी है और गांठों को निकाल के ही इसका इलाज होगा। तो अगर आपको सेबेशियस सिस्ट है या अंडकोश के अंदर आपको अंडकोश की त्वचा के अंदर आपको गांठे या अंडकोश की त्वचा में आपको दाने हैं तो आप इसका इलाज कराइए। इसका उचित इलाज मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल है। मेरा क्लिनिक नई दिल्ली करोल बाग में स्थित है, उसका एड्रेस नीचे दिया गया है। आप डाउट है तो मुझसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन नंबर पे या फेसबुक पे या ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। क्लिनिक पे आके जायज़ दामों में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने बाकी साथियों से शेयर कीजिए, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको अगली बार नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।